हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मूवीज यूनिवर्स के आपके चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी डब्ड हाइस्ट मूवी या फिर कहें तो रॉबरी मूवी, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे लिस्ट की हर एक मूवी को मैंने 10 में से कुछ पॉइंट्स दिए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 10 की मूवी, जो है रेड नोटिस। मूवी को रिलीज किया गया है 2021 में। स्टोरी की बात करूं एकदम सिंपल तरीके से तो दुनिया का नंबर 1 का चोर अब नंबर 2 हो चुका है और उसे फिर से नंबर 1 का चोर बनना है। देखो यार, मूवी में रॉबरी के सीन तो बहुत सारे हैं, बट सबसे ज्यादा है रैन रेनॉल्ड्स की कॉमेडी। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझ ले, तुम्हें तलाक चाहिए और जायदाद भी। एक तो ये बंदे की केमिस्ट्री किसी के साथ भी फिट बैठ जाती है, चाहे वो निक फ्यूरी हो, थैनोस हो, वॉल्वरिन हो, या इस मूवी में ब्लैक एडम हो। बिल्कुल भी मिस करने जैसी मूवी नहीं है और इस मूवी को मैं 6 पॉइंट्स दूंगा। आगे बढ़ते हैं लिस्ट की 9th मूवी, जो है आर्मी ऑफ थीव्स। मूवी को रिलीज किया गया है 2021 में और ये आर्मी ऑफ डेड की प्रीक्वल या यूं कहें तो स्पिन ऑफ मूवी है। तो अगर आपने आर्मी ऑफ डेड नहीं देखी है तो आप पहले एक बार वो मूवी जरूर देखें। बात करूं मूवी की स्टोरी की तो मूवी में दिखाया गया है दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और इम्पॉसिबल टू क्रैक, मतलब बहुत ही मजबूत तिजोरी को तोड़ना है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए और इस मूवी को मैं 7 पॉइंट्स दूंगा। आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 8 मूवी, जो है 2015 में आई हुई फोकस। चोर कैसे चोरी करने के पहले आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपकी साइकोलॉजी को समझता है और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, वो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है। और सही मायने में इसी तरह की मूवी को मैं हाइस्ट मूवी कहूंगा और इस मूवी को मैं दूंगा 8 पॉइंट्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की 7th मूवी, जो है डैन ऑफ थीव्स। मूवी को रिलीज किया गया है 2018 में। स्टोरी में खास यह है कि पुलिस को पहले से पता है कि चोरी होने वाली है और कौन चोरी करने वाला है, बट चोरी कहाँ होने वाली है ये नहीं पता है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। तो इस मूवी को एक बार देखा जा सकता है, बट मुझे इसकी हिंदी डबिंग पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो अगर आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं तो इंग्लिश में देखें और इस मूवी को मैं दूंगा 5 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 6 मूवी, जो है 2020 में आई द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। मरने से पहले एक बार किसी बैंक में डाका डालना है, ऐसा अतरंगी सपना तो शायद मुझे भी 50 साल की उम्र में आ जाए। वैसे डाका डालने का कीड़ा तो अभी भी काट ही रहा है। ऐसी ही कुछ स्टोरी है इस मूवी की भी, जहां पर कुछ लोग एक बार बैंक रॉबरी करना चाहते हैं। वैसे ये एक स्पेनिश मूवी है तो इसकी हिंदी डबिंग भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट मूवी को एंजॉय करने के लिए इसे हिंदी में देखा जा सकता है। वैसे एंजॉय से याद आया, फ्यूचर में ऐसी ही लिस्ट्स को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा सकते हैं। दबा दे क्या? दबा दो ना। और इस मूवी को मैं दूंगा 5 पॉइंट्स। बहुत हो गई बातें पैसे चोरी करने की, चलिए बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसका प्लॉट है पैसे चोरी होने से बचाना। मैं बात कर रहा हूँ हमारी लिस्ट की नंबर 5th मूवी, जो है रॉथ ऑफ द मैन। मूवी को रिलीज किया गया है 2021 में और मूवी में है इंग्लैंड के अक्षय खन्ना यानी जेसन स्टैथम। स्टोरी की बात नहीं करूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि स्टोरी बहुत ही फाड़ू है और इस मूवी को देखना ही है और इस मूवी को मैं दूंगा 7 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की 4th मूवी, जो है द बैंक जॉब। क्या बोला तूने? द बैंक, बैंक जॉब। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मूवी को रिलीज किया गया है 2008 में और ये एक ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है। वैसे इस मूवी में पैसों की चोरी नहीं होती, चोरी है फोटोज की, बस इतना ही बता सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। तो अगर ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखना। इसकी हिंदी डबिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अगर आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं तो इंग्लिश में ही देखना, आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड। और हाँ, मूवी में थोड़े एडल्ट सीन भी हैं तो जरा ध्यान रखना। और इस मूवी को मैं दूंगा 8 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 3rd मूवी, जो है द टाउन। मूवी को रिलीज किया गया है 2010 में और भाई ये मूवी शुरू ही होती है रॉबरी से, डायरेक्ट रॉबरी। मूवी में आपको देखने मिलेंगे बेन एफ्लेक और जेरेमी रेनर जैसे बड़े बड़े स्टार। और वैसे इस मूवी को डायरेक्ट भी बेन एफ्लेक ने ही किया है। वैसे स्टोरी भी गजब है, चोर जिस बैंक में चोरी करने जाता है वहाँ के ही एक स्टाफ मेंबर से प्यार हो जाता है। आदमी का काम पे फोकस नहीं है, बट आप हमारे चैनल पे फोकस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ ये कर लो पहले। वैसे मूवी को मैं दूंगा 7 पॉइंट्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 2nd मूवी, जो है इनसाइड मैन। मूवी को रिलीज किया गया है 2006 में और मूवी का प्लॉट एकदम सिंपल है, मैं बैंक रॉबरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ एक परफेक्ट बैंक रॉबरी। बस यही चीज बैंक रॉबर दिखाना चाहता है। सच में वन ऑफ द बेस्ट बैंक रॉबरी मूवी है और इस मूवी को मैं दूंगा 8 पॉइंट्स। नंबर 1 पर जाने के पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन बताना चाहूंगा। यही तो चाहिए था वीडियो के अंदर यार।
जैसे 2015 की पॉइंट ब्रेक, 2016 की मैराडोर्स, 2003 की द इटालियन जॉब और 2013 की और 2016 की नाउ यू सी मी और नाउ यू सी मी पार्ट टू। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर वन की मूवी पर, जो है ओशियंस 11। मूवी को रिलीज किया गया है 2001 में और इस मूवी के टोटल 3 पार्ट है, बट सबसे बेस्ट पार्ट है पहला पार्ट जो है ओशियंस 11। आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट रॉबरी मूवी है। मैं चोरी वहां पे करूंगा जहां लोगों से पैसे लूटे जाते हैं, यानी कि कैसीनो में। वैसे आप इसके तीनों पार्ट देख सकते हैं, बट ये वाला पार्ट तो हाईली रिकमेंडेड है और मैं इस मूवी को दूंगा 9 points। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको लिस्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और लाइक भी कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नहीं पसंद आई तो फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।